मध्य प्रदेश में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेश में 9 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। अनुपम राजन को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई। वहीं सुखवीर सिंह अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बने। शहडोल संभाग के कमिश्नर बनाए गए श्रीमन शुक्ल। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से सीवी चक्रवर्ती को हटा दिया गया है। तो ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने मिली है। बीती रात शहडोल संभाग के कमिश्नर श्रीमन शुक्ल बनाए गए। अनुपम राजन को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुखवीर सिंह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए हैं और इसी के साथ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से सीबी चक्रवर्ती को हटा दिया गया है। तो वो सूची भी हम आपको दिखा रहे हैं जो 9 आईएएस के तबादले किए गए हैं। देर रात ये बड़ा फैसला किया गया है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अनुपम राजन को अब उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है वो ये कि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से सीबी चक्रवर्ती को हटा दिया गया है। वहीं आरक्षण पर फैसले के खिलाफ बंद है आज दलित आदिवासी संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। कुछ राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन भी किया है। एससी एसटी आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन का विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बीएसपी ने भारत बंद को समर्थन दिया है। कांग्रेस विधायक हीरा लाल भी प्रदर्शन करेंगे। आदिवासी संगठन जैस के बैनर तले ये प्रदर्शन आज होने जा रहा है और ये देशव्यापी प्रदर्शन होने जा रहा है। पूरा भारत बंद ही बुलाया गया है तो अब देखना होगा कि अलग अलग प्रदेशों में इसका कितना असर होगा। तो आरक्षण पर फैसले के खिलाफ आज भारत बंद बुलाया गया है। मध्य प्रदेश में भी कुछ राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है और बीएसपी ने भी समर्थन किया है और कांग्रेस विधायक हीरा लाल भी अलग जगह पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। आदिवासी संगठन जैस के बैनर तले ये भारत बंद बुलाया गया है। बिल्कुल, और हीरालाल अलावा भी इसीलिए प्रदर्शन करने के लिए इसमें शामिल होंगे क्योंकि जैस से संबंधित हैं। एससी एसटी आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन का दरअसल विरोध किया जा रहा है और यही कारण है कि देश भर में आज भारत बंद बुलाया गया है। राजनीतिक दलों ने भी आह्वान किया है इसके समर्थन का और लोगों से भी भारत बंद को लेकर अपील की गई है। तो मध्य प्रदेश में बीएसपी ने भी भारत बंद का समर्थन दिया है और मध्य प्रदेश में क्या तस्वीरें होंगी आज वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर आज आरक्षण के फैसले के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया क्रीमी लेयर्स के लिए उसी को लेकर ये बंद का आह्वान किया गया है। तो दलित आदिवासी संगठनों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया है जिसका सपोर्ट कुछ राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। एससी एसटी आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन का विरोध किया जा रहा है और यही वजह है कि भारत बंद बुलाया गया है। हमारे सहयोगी राहुल राठौर भोपाल से जुड़ गए हैं। राहुल, आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, मध्य प्रदेश में इसका कितना असर देखने को मिल सकता है क्योंकि कुछ राजनीतिक दल सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जयस और बसपा व अन्य जो दलित आदिवासी व तमाम संगठन हैं ये लोग आज सुबह 9 बजे से भारत बंद का जो है आह्वान करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे और तमाम दुकानें और ये सब बंद करवाएंगे। देखिए इनका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एससी एसटी को लेकर सब कैटेगराइजेशन का एक जो फैसला सुनाया है उसको लेकर ये विरोध है और ये विरोध अगर ये जो फैसला है ये वापस नहीं लिया गया तो ये लगातार आने वाले समय में और उग्र आंदोलन लेगा। ये जो आज तो सिर्फ आह्वान किया है और ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को आज ज्ञापन सौंपा जाएगा और जो भी सभी दलों की मांग है वो रखी जाएगी। तो फिलहाल आज आह्वान किया गया है भारत बंद का, करीब ये 2 से 2.5 घंटे तक चलेगा और उसके बाद सुचारू रूप से माना जा रहा है कि मार्केट जो है वो चालू हो जाएगा। लेकिन 9 बजे से लेकर 12 बजे तक अगर कोई मार्केट में इस दौरान काम के लिए निकलता है तो वो सावधान रहें और उनके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि उनको मार्केट में 9 से 12 बजे तक कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि जयस और बसपा ये दो जो बड़े संगठन हैं इन्होंने आह्वान किया है कि भारत बंद किया जाएगा और इसके बाद अब देखना होगा कि क्या कुछ इसका निराकरण निकलता है, क्या इनको आश्वासन मिलता है और आने वाले समय में किस तरह से रणनीति तैयार करके ये अपने प्रदर्शन को या तो जारी रखेंगे या फिर ये प्रदर्शन आज ही समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, तो क्या कोई वैकल्पिक मार्ग
ऊपर निकाला जा सकता है, ये जरूर देखना होगा इस भारत बंद के बाद। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो वहीं भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की बड़ी बैठक है। बीजेपी संगठन पर्व चलाएगी, 2024 सदस्यता अभियान होगा ये संगठन पर्व। 2024 की तैयारियों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। अरुण सिंह की मौजूदगी में बैठक होगी। प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाने को लेकर मंथन किया जाएगा। सांसद विधायक समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष ये चलाती है सदस्यता अभियान, और इसी तर्ज पर एक बार फिर से रणनीति बनाने के लिए बड़ी बैठक बुलाई गई है। राहुल राठौर हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं भोपाल से। राहुल, आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक है सदस्यता अभियान को लेकर, किस तरह की तैयारियां हो सकती हैं, क्या तस्वीरें बैठक की होंगी, बताइएगा। देखिए, कल ही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज जो है तमाम पदाधिकारी प्रदेश के, जिसमें सांसद विधायक प्रकोष्ठ के इनके अध्यक्ष और मंडल के अध्यक्ष, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, तमाम पदाधिकारी आज भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और यहां पर एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें रणनीति तैयार होगी आने वाले समय में, जो इनका सदस्यता अभियान चलाया जाना है। भारतीय जनता पार्टी हर 6 साल में सदस्यता अभियान चलाती है और इसमें देखिए इसकी खास बात यह है कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। प्रधानमंत्री खुद सदस्यता दोबारा ग्रहण करेंगे और उसके बाद तमाम पार्टी के लोग और नए सदस्यों को भी इसमें जोड़ने का टारगेट है। वीडी शर्मा के अनुसार पिछली बार 95 लाख नए सदस्य बनाए थे जिसमें से 68 लाख का वेरिफिकेशन हुआ था। अब इस बार ये टारगेट और बढ़ाया गया है और बड़ी संख्या में इस बार पार्टी जो है वो अपनी सदस्यता बनाएगी। देखिए इसमें खास बात यह है कि 4 अलग-अलग तरीकों से सदस्यता बनाई जाएगी जिसमें QR कोड, मिस कॉल, नमो ऐप और भारतीय जनता पार्टी की जो वेबसाइट है, इन माध्यमों से सदस्यता बनाए जाने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। आज पूरे प्रदेश स्तरीय बैठक है, इसके बाद जिला स्तरीय 3 दिन बैठक होगी, फिर बैठक के माध्यम से जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है सदस्यता अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।